जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, उससे ज्यादा जो एक्ट करते हैं ना, वो प्रिंट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको क्या कहते हैं? मार्कर। केवल मैं मार्कर बोले तो आपको याद नहीं आता, इसको टिका के ए मार्कर तो थोड़ा याद ज्यादा बन जाता है ना। अगर मैं यहाँ वहां पेंट करके मुझे उठा के दे ऐसा बोला तो आपने जाके उसको उठा के दिया तो आपका फीलिंग में क्या होता है? मैंने मार्कर को उठा के दिया तो एक्शन हो गया ना। तो 10 साल के बाद भी वो एक साल का ना वो एक मार्कर ऐसा पेंट करता ना, तब आप उठा के क्या दिया तो क्या बोलेंगे? मार्कर। तो मार्कर अंदर चले जाता है, नहीं चले जाता है? क्यों? एक्शन के साथ। हर विद्यार्थी को सभी सुनो, मैं एक संस्कृत का 5 बात बोलता हूँ, सभी सुनो, ये आपको बहुत नई बात है। कोई भी इस दुनिया में खुद को कभी भी परफेक्ट नहीं समझना। नोन इज ए ड्रॉप, अनोन इज ए ओशन। बोलो सभी, वंस मोर, को सब कुछ मालूम नहीं। हम जितने भी सीखते रहते हैं फिर भी हम सीखने के लिए बहुत कुछ होते हैं, है ना। तो अभी बोलो, केवल स्कूल में पढ़ने वाले ही स्टूडेंट हैं या सारी संसार में जो भी है वो सभी स्टूडेंट? बोलो, सारी संसार में रहने वाले सभी स्टूडेंट हैं या नहीं? मेरे बच्चे ये समझो, जो स्कूल में पढ़ाता है वो लिमिटेड एजुकेशन, उससे आपको जॉब मिलता है या कुछ ना कुछ पोस्ट पोजीशन मिलता है, लेकिन आपको लाइफ का एग्जाम पास करना भी सीखना है। कौन सा एग्जाम? ऐसे नहीं समझो कि हमको मैथ साइंस हिंदी या कुछ इंग्लिश वो पढ़ लिया तो हो गया। हमारा जीवन भी एक एग्जामिनेशन है। हमारा जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? उसमें भी पास, उसमें भी पास, तो उसको भी हम क्या करना है? हरी बेटी,